نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم. آج کی اس نشست کا موضوع اتحاد امت اور سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا. انشاءاللہ تعالی پہلا حصہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے اور وہ حصہ حکم رسول کی اطاعت پر مشتمل. حکم رسول کی اطاعت اور تعمیل کے بیان پر اور اس حصے کا عنوان اتحاد امت کہ قرآن و سنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً بار بار مسلمانوں کو متحد ہونے اور متحد رہنے اور ایک جسد واحد کی طرح جینے کا حکم فرمایا. دوسرا حصہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع, حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتباع سیرت نبوی کے ضمن میں اس حصہ گفتگو کا عنوان ہوگا کہ مسلمان پیکر امن و رحمت ہے اور اسے پیکر امن و رحمت ہو کے رہنا چاہیے. اس گوشہ سیرت نبوی کو میں لوں گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا حصہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط اور دائمی تعلق کی استواری اس سیرت طیبہ کی روشنی میں اور اس دائمی مضبوط تعلق کی استواری کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معرفت ہے جس پر پوری امت مسلمہ ایک ہو کے رہے. یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے. میں نے ابتدا میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرد اگر تنہا تنہا رہتا ہے تو اینٹ کی مانند اسے لوگ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. وہ ساری اینٹیں جب یکجا کر دی جاتی ہیں تو مضبوط دیوار میں بدل جاتے ہیں. کسی بھی قوم کی بقا ہمیشہ اتحاد میں ہے اور اس کی موت ہمیشہ افتراق میں ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو تم سارے کے سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو. اور پھر اتنی بات پہ اکتفا نہیں کیا, پھر فرمایا ولا تفرقوا, اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ, پھوٹو نہیں بلکہ جڑو.
और अपने अंदर इफ्तिराक और इंतशार पैदा ना करो बल्कि इत्तेहाद और वहदत पैदा करो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले जो हालत कुफ्र थी सरजमीन अरब पर और बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब दौर इस्लाम आ गया तो दो जमानों का मुवाजना किया कुरान मजीद ने, बेसत मुहम्मदी से कबल और बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। आलम अरब के अंदर जो हालत कुफ्र थी और फिर हालत इस्लाम, दो का मुवाजना करके फरमाया वज़कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान, और याद करो अल्लाह की वो नेमत जो तुम पर हुई उस हाल में कि तुम फूटे हुए थे, बाहम दस्तो गरेबां थे, टुकड़ों में बटे हुए थे और हालत तुम्हारे इफ्तिराक की अदावत तक, बाहमी अदावत तक पहुंच गई थी और तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और छोटी छोटी बात पर तुम्हारे माबैन फसाद होते, कत्ल गारत होती, खून खराबा होता और तवील मुद्दत तक इंसानों के तबकात के दरमियान जंग रहती और उस जंग की नज़र पूरी नस्लें हो जाती। इस इफ्तिराक की, इंतशार की, नफरत और अदावत की कैफियत को कुरान मजीद ने हालत कुफ्र के साथ ताबीर किया है और फिर फरमाया कि अल्लाह ने नेमत क्या थी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया फअल्लफ बैना कुलूबिकुम, और उस अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के वास्ता और वसीला से तुम्हारे दिलों में बाहमी उल्फत पैदा कर दी, नफरत को उल्फत में बदल दिया और इफ्तिराक को इत्तेहाद में बदल दिया। फअसबह तुम बिनेमत ही इखवाना, और तुम जो एक दूसरे के दुश्मन थे तुम बाहम भाई भाई बन गए, अदावत उखवत में बदल गई। यह अकल इस्लाम की बेसत और आमद का फैज़ मिला। तो कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बेसत के नतीजे में जो उम्मत वजूद में आई उसकी हालत को इत्तेहाद से ताबीर किया और वहदत व अख़ुव्वत से ताबीर किया, और बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दौर कुफ्र था उसको इंतशार, इफ्तिराक और अदावत के साथ ताबीर किया। ये वो बुनियादी चीज। और फिर इस पूरे मैसेज को बयान करने के बाद आखिर पे इरशाद फरमाया अब मुसलमानों सुनो वला तकूनु कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब इस नेमत को पा लेने के बाद, जिस नेमत नबुव्वत मुहम्मदी ने, जिस नेमत रिसालत मुहम्मदी ने, जिस नेमत नूर इस्लाम ने और जिस नेमत हिदायत कुरान ने तुम्हारी नफरतों को मोहब्बतों से और तुम्हारे तफरकों को वहदत से बदल दिया है, इस नेमत को पा लेने के बाद खबरदार दोबारा टुकड़े टुकड़े ना हो जाना, फिर न फूटना। और हिदायत की वाज़े निशानियां आ जाने के बाद दोबारा इख्तिलाफात की नजर न हो जाना। फिर कुरान मजीद ने यह भी इरशाद फरमाया एक और मकाम पर इन्नमल मुमिनून सूरह हुजुरात में इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि मुसलमान आपस में भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को बाहमी भाईचारे और उखुव्वत के रिश्ते में मुनसलिक किया है, लिहाजा अगर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो, घर के अंदर कोई इफ्तिराक हो, तो उसमें इस्लाह के साथ, मुआफ़क़त के साथ, बाहमी मवद्दत के साथ और खैरख्वाही के साथ उसको मिटाया करो और मिटाकर वहदत की मंजिल को पाया करो। ये बात जो
قرآن مجید نے ہمیں کہی, اسی کی تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا امت مسلمہ کو اپنی احادیث طیبہ کے ذریعے دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہاں وحدت کا درس دیا, حکم دیا, وہاں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسلمان جڑے رہیں. عن حذیفۃ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ, ایک طویل روایت جو حذیفہ بن یمان سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں, حضور السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلزم جماعت المسلمین, حکم دیا کہ مسلمانوں تو مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے, اس کا اکثریتی طبقہ اور بڑی جماعت ہے, اس کے ساتھ جڑے رہو, چونکہ اس جڑے رہنے میں تمہاری بقا ہے, تمہاری خیر ہے, تمہاری عافیت ہے اور تمہاری سلامتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں جامع ترمذی میں اور مسند امام احمد بن حنبل اور بہت سی کتب حدیث میں, فرمایا علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ, مسلمانوں تمہارے اوپر واجب ہے, لازم ہے کہ تم اجتماعیت کا ساتھ دو, بڑی جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ جڑے رہو اور تفرقہ سے ہمیشہ بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَد, اگر انسان مسلمان تنہا تنہا رہ جائے, اکیلا رہ جائے, تو شیطان کے اس کے قریب ہونا شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور اگر مسلمان جڑ جائیں, دو ہو جائیں, تو دو کے قریب شیطان کا جانا قدرے مشکل ہو جاتا ہے, اور زیادہ عدد ہو جائے تو شیطان کا ان کے قریب جانا مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. گویا مسلمان بکھرے رہیں تو ایک ایک کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے, اور مسلمان جڑ کے ایک اجتماعی وحدت میں منسلک ہو جائیں تو ان سب کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من ارادا بحبوحت الجنت فلیلزم الجماعہ, جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت کا وسط یعنی جنت کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائے. امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنے میں اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, اس کے عقیدہ کی حفاظت ہوگی, اس کے عمل کی حفاظت ہوگی, اس کے اخلاق کی حفاظت ہوگی, اس کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی, اور اس کے جملہ ظاہری باطنی فوائد اور مفادات کی حفاظت ہوگی. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بڑا جامع بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو آقا علیہ السلام کا ارشاد, فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم, کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا کی مانند ہے, بھیڑیا کی طرح, اسی طرح جیسے بکریوں کے لیے اور بکریوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے, شیطان انسانوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہے. یاخذ الشاۃ القاسیۃ والناہیۃ, یاخذ الشاۃ القاسیۃ والناہیۃ, جو بھیڑ بکری, ویا فیاکم بالشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ والمسجد, اس کو امام احمد بن حنبل نے, امام عبد الرزاق نے, امام طبرانی اور امام بہقی سب نے روایت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اسی طرح تنہا تنہا اکیلے اکیلے مسلمان کو پکڑ کے کھا جاتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, جس طرح بھیڑیے کو تنہا تنہا بکریاں مل جائیں تو ان کو کھا جاتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بھیڑیا بکریوں کو اچک کے لے جاتا ہے ریور سے الگ, اگر اسے مل جائیں تو, مسلمان بھی الگ مل جائے تو شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے.
लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि उस बकरी की तरह न बनो जो अपने रेवड़ से जुदा होकर दूर किनारे पे खड़ी होती है, फिर उसे बेड़िए से बचा कोई नहीं सकता। मुसलमान अगर इज्तिमाईयत से जुदा हो के दूर तन्हा हो जाएगा तो शैतान के हमले से उसे बचा कोई नहीं सकता। फिर आकर इस्लाम ने फरमाया कि तुम गरोह गरोह हो जाने और टुकड़ों टुकड़ों में बट जाने से भी बचो, और फिर फरमाया तुम्हारे ऊपर जमात के साथ जुड़ जाना लाजिम है और आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ जो सवाद आजम है उनके साथ जुड़े जाना लाजिम है और मस्जिद के साथ जुड़ के रहना लाजिम है कि मस्जिद की चार दीवारी तुम्हारे ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगी। ये इरशाद फरमाया। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर इरशाद फरमाते हैं, जिसे इमाम तबरानी और इमाम इब्ने अबी शैबा और इमाम दैलमी और इमाम हाकिम रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास अलैकुम बित्ताअति वल जमाअ फइन्नहा हब्लुल्लाह अल्लज़ी उमिरा बिह। ऐ मुसलमानों, एक तो तुम पर अल्लाह रसूल की इताअत वाजिब है और दूसरा फरमाया तुम्हारे ऊपर उसी तरह अल्लाह रसूल की इताअत के तहत जमात मुसलमानों की जमात के साथ जुड़ के रहना वाबस्ता रहना वाजिब है। चूंकि जमात के साथ मुत्तसिल रहना ये अल्लाह तबारक व ताला की वो रस्सी है, वो हबलुल्लाह है जो तुम्हें तफरका की सूरत में नुकसान से बचाता है। और फरमाया वान मा तक रहू न फिल जमात खैरुम मिम्मा तुहिब्बू न फिल फुरका। ऐन मुमकिन है कि तुम जब तन्हा रहते हो तो अपनी मर्जी के मालिक होते हो, तुम्हारी आज़ादी एब्सोल्यूट होती है, अनचेक्ड होती है, क्वेश्चनेबल नहीं होती, जो चाहो करते हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं, तुम्हारी अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल होती है, अनकंडीशनल होती है और तुम खुश होते हो कि तुम बड़ी अथॉरिटी रखते हो। और जब एक जमात इज्तिमाईयत में मुंसलिक हो जाते हो तो तुम्हारी आज़ादी उतनी नहीं रहती जितनी कि एज एन इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी में आज़ादी थी। सो तुम्हें ये बात नापसंद होगी, भाई मैं तन्हा रहकर जितना आज़ाद था, अपनी मर्जी से जो चाहता था करता था, अब एक जमात और इज्तिमाईयत के नज्म में आने के बाद पाबंद हो गया, उतनी आज़ादी नहीं रही। आकल इस्लाम ने फरमाया मुमकिन है तुम्हें ये नज्म इज्तिमाई ना पसंद हो और तन्हाई की आज़ादी ज्यादा पसंद हो, मगर फरमाया इस नापसंद नज्म से घबराना नहीं, खैर और नफा इसी में है, खैर और नफा इसी में है। अब हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया यकूल इन उम्मती ला तजतमियु अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर मुजतमे नहीं होगी। मेरी उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत मुहम्मदी को करामत अता की, उम्मत मुहम्मदी को शरफ अता किया, दो शरफ याद रख लें, खास उम्मत मुहम्मदी को अता किया, बल्कि तीन शरफ बतौर खास अता किए जो पहले किसी उम्मत को न मिले थे, उम्मत मुहम्मदी को मिले। ये फकत सदका है नालन मुस्तफा का सिलसिला। वो शरफ क्या मिले? एक शरफ तो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर मुजतमे नहीं होगी। ये जमानत किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत के लिए अपने बाद की न दी थी। फरमाया कयामत तक ला तजतमे उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत का इजमा कभी गुमराही पर नहीं होगा। सो मेरी उम्मत की अक्सरियत को जब किसी अकीदे पर, अमल पर, तरीके पर, शियार पर जमा होते देखो तो समझ लेना कि इसी इज्तिमाईयत में हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ने उम्मत की इज्तिमाईयत को गुमराही से बचाया है, और अगर उम्मत फूट जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत की जमानत उस पर नहीं है। एक दूसरा शरफ यह दिया, आकल इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस आती है, शुहदाए उहद के ऊपर फातिहा पढ़ने के बाद मिंबर पे खिताब किया, फरमाया मैं दुनिया से अनकरीब रुखसत होने वाला हूँ
और दूसरी खुशखबरी यह है कि लोगों, मैं इस खौफ से बेनियाज होके जा रहा हूं, अब शिर्क पलट के मेरी उम्मत में नहीं आएगा। तो जो लोग उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सरियत पर शिर्क का ताना दें या शिर्क का ख्याल करें, गोया उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के फरमान को रद्द कर दिया है। अब फरमाया मेरी उम्मत दुनियादारी में मुबतला तो हो सकती है, दुनियावी मफादात में एक दूसरे के गले तो काट सकती है, ये बदनसीबी होगी, मगर जिस शिर्क की जड़ें मैं काटे जा रहा हूं वो शिर्क पलट कर मेरी उम्मत में नहीं आएगा। तो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत अब मुशरिक नहीं हो सकती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की अक्सरियत को किसी भी एतबार से मुशरिक तसव्वुर करना या आका अलैहिस्सलाम की इस जमानत को गोया रद्द करना है। और तीसरी आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को जो शरफ दिया वो ये कि हाँ, वक्त के साथ साथ बिगाड़ आएंगे, दीन की तालीमात में बिगाड़ आएगा, अखलाक में आएगा, कदरों में आएगा, अफकार में आएगा, अकायद में आएगा, बिगाड़ हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ आते रहेंगे, लेकिन ये शरफ उम्मत मुहम्मदी को गया कि चूंकि मेरे बाद अब कयामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद कोई किताब नहीं आएगी, मेरे बाद कोई वही नहीं आएगी, कोई नबुवत और रिसालत का सिलसिला नहीं आएगा, सो अब कयामत तक हर सदी की इब्तिदा में अगर दीन की कदरें मिट जाएंगी तो दीन को जिंदा करने के लिए हर सदी की इब्तिदा में मुजद्दिद आएगा, और उस मुजद्दिद के जरिए दीन की मिटती हुई कदरों को जिंदा किया जाएगा, दीन के अंदर अकायद में जो खराबियां आएंगी उनको इसलाह की जाएगी, जिन लोगों के अखलाक में, आमाल में, अहवाल में, अकीदा में, हत्ता के ताजदार कायनात की जात से रब्त में, ताल्लुक में, निस्बत में जो कमजोरी आ रही होगी, मुजद्दिद हर सदी में आएगा और मुस्तफा से टूटे हुए ताल्लुक को फिर जोड़ता जाएगा। इस तरह हर 100 साल बाद मुजद्दिद आकर इस उम्मत के मुस्तफा से टूटे हुए इश्क के ताल्लुक को, मोहब्बत के ताल्लुक को, इत्तेबा के ताल्लुक को, गुलामी के ताल्लुक को बारहा हर सदी में मजबूत तर किया जाएगा, और 100 साल बाद फिर कमजोरी आएगी, फिर मुजद्दिद आएगा, और ये मुजद्दिदीन का सिलसिला हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद तक जारी रहेगा। इसलिए आका इस्लाम की उम्मत को शरफ दिए, उम्मत को शरफ दिए, इसलिए पहले हर नबी के बाद जब उनकी उम्मत में बिगाड़ आता तो इस्लाह के लिए पैगंबर आते, हर नबी के बाद नबी आता, हर रसूल के बाद रसूल आता, मगर ताजदार कायनात आए, फरमाया मेरे आने के बाद नबुवत और रिसालत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, खत्मत बिन नबुवत व रिसालत खत्म कर दी गई, और सिलसिला अंबिया और सिलसिला रसूल बंद कर दिया गया, क्योंकि मेरे आका अव्वलुल खल्क थे और आखिरुल अंबिया हुए, तखलीक में कायनात में सबसे पहला नूर मुस्तफा का था और जहूर में सबसे आखिरी नबुवत और रिसालत मुस्तफा की थी। अब इंसानी फितरत तो वही है जो पहले होता था, हालात वक्त बदलने के साथ साथ खराबी आती थी, गुमराही आती थी, अकायद में बिगाड़ आता, आपने पहले मजाहब की किताबों को देखा, बहुत कुछ देखा, तब्दीलियां हो जाती, अमल तो वही है, फितरत तो वही है, तो फिर नबी और रसूल आके उसकी इसलाह कर देते, फिर रिवाइज कर देते, फिर रिवाइज कर देते, फिर रिव्यू करवा देते, फिर उसकी इसलाह हो जाती, मगर जब आका अलैहिस्सलाम की बेसत पर नबुवत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया तो नबुवत और रिसालत का बदल अल्लाह ने हुजूर की उम्मत के लिए मुजद्दिदीन में बदल दिया। अब कयामत तक जो काम पहली उम्मतों के अंबिया करते थे, उम्मत मुहम्मदी का वो काम हुजूर की उम्मत के मुजद्दिद करते रहेंगे। ये शरफ उम्मत को दिया, इसलिए फरमाया जिस उम्मत का इतना बड़ा शरफ हो, उस उम्मत की जो इज्तिमाईयत है, अक्सरियत है, और उस इज्तिमाईयत को संभालने वाली जो जमात है, वो जहां भी हो, ये बात समझने वाली, ख्वाब वो सरजमीन हिंद है, ख्वाब वो पाकिस्तान है, ख्वाब वो सरजमीन अरब है, अजम है, दुनिया में जहां जहां मुसलमानों की इज्तिमाईयत देखो,
और सवाद आजम देखो, मुसलमानों पर वाजिब है कि अपने ईमान और औलादों और नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए वो इज्तिमाईयत से जुड़ के रहें। जुड़े रहेंगे तो ईमान उनकी नस्लों में चलेगा, कटे रहेंगे तो शैतान उचक के ले जाएगा। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये मौजें जो अकड़ती हैं और बड़े बड़ी कश्तियों को डबो देती और दरियाओं बड़े बड़े शिप्स को, जहाजों को हिला देती हैं, इतनी ताकत होती है ना मौजों में, इतनी ताकत होती है। वो मौज जो तूफान बपा करती है, जहाजों को डबो देती हैं, अगर वो इकट्ठी होती हैं ताकत के साथ तो जहाज उलट जाते हैं। अगर वो मौज एक एक हो जाए और समंदर से बाहर निकल जाए तो पानी बन के बिखर जाती है, उसकी हैसियत कोई नहीं रहती। यही ऐसी एक कुदरत का ये निजाम है, निजाम कुदरत है, निजाम फितरत है। इसलिए आकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अब पहचान दी, साफ जहर है कि सारी उम्मत तो यकजा नहीं हो सकती। ये तो पॉसिबल नहीं कि पूरी उम्मत और कुल मुसलमान वो सारे एक इज्तिमाईयत में जमा हो जाएं, ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं। मैं भी पूरी दुनिया में सफ़र करता हूं और मैं शर्क ता गर्ब मुसलमानों को मैंने ज़िंदगी में ये कभी नहीं कहा, कि तुम मिन्हाजुल कुरान में शामिल हो जाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि मिन्हाजुल कुरान ही वाहिद एक जमात है जो तुम्हारे ईमान और अकीदा को बचाएगी। आप अगर मेरे 7,000 खिताबात को भी सुने तो मैंने इस इल्तिज़ाम से कि मिन्हाजुल कुरान में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारा अकीदा और ईमान नहीं बचेगा और सिर्फ इसी में शामिल होने से बचेगा, ये कलिमा आपने मेरी लाइफ के 30 साल में कभी नहीं सुना। मैं नहीं कहता, मगर ये ज़रूर कहता हूँ वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये आपको मेरे सैकड़ों हज़ारों खिताबात में नसीहत मिलेगी कि लोगों इज्तिमाईयत छोड़ के तनहा ना रहो, इज्तिमाईयत से जुड़े रहो, जमात के साथ जुड़े रहो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तनहा रहोगे तो ना अपना अकीदा बचा सकोगे, ना अपने बच्चों का, ना अपने मफादात की हिफाजत कर सकोगे, ना खैर महफूज होगी। जुड़ो। अब सवाल पैदा होता है कि जुड़ें जमात के साथ तो कौन सी जमात? मैं कहता हूं अक्ल दानिश से काम लो, जो जमातें आपको दस्तियाब हों हर एक को देख लो, जो जहां दीन और ईमान और अकीदा की हिफाजत और दुनिया और दीन के दोनों मामलात की जहां सबसे ज्यादा बेहतरी और हिफाजत की उम्मीद नजर आए उससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओ। ये नसीहत मेरी हमेशा होती है, मगर ये कि बिखर जाएंगे तो काट दिए जाएंगे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على الدلالة أبدا। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम तिरमजी ने जामे अस्सही अपनी सुनन में फरमाया, अल्लाह पाक फिर मेरी इस उम्मत को कभी गुमराही पर जमा नहीं करेगा। और गुमराही पर जमा न होने का मतलब क्या? फरमाया यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की हिफाजत का हाथ हमेशा जमात के ऊपर होता है। अब आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि एक एक बंदे पर होता है, तन्हा तन्हा टुकड़ों पर होता है, नहीं, फरमाया यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की हिफाजत का हाथ हमेशा जमात पर होता है। फत, अच्छा फिर सवाल पैदा होता है कि वो जमात क्या है, कौन सी है? फरमाया फत्तबे उस सवाद अल आज़म फइन्नहू मन शज़्ज़ शज़्ज़ फिन्नार, जो सबसे अक्सरियती जमात हो उसको सवाद आज़म कहते हैं, उसके साथ जुड़ जाओ, जो उससे अलग हुआ एक एक करके वो जहन्नुम में जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने गोया इसकी तारीफ कर दी, इंटरप्रेट कर दिया, फिर आगे इसकी मजीद वजाहत कर दी कि सवाद आज़म किसे कहते हैं, जमात किसे कहते हैं, अक्सरियत। फरमाया हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और इमाम अब्दुल रज़ाक और इमाम तबरानी ने, आका अलैहिस्सलाम ने इसको एक्सप्लेन किया, इसको इलेबोरेट किया और समझा के कहा
कि अक्सरियत और जमात से मुराद क्या है। अन्नहु काला इस्नान खैरुम मिन वाहिदिन, एक तरफ दो हों एक तरफ एक, तो एक से दो का जमा होना बेहतर है। वसलासतुन खैरुम मिन इस्नैन, तीन हों तो वो दो से बेहतर हैं। अरबातुन खैरुम मिन सलासा, जिधर चार हों वो तीन से बेहतर हैं। तीन मिसालें देकर मेजॉरिटी अक्सरियत का जब बयान कर दिया तो फिर फरमाया फअलैकुम बिल जमा, इसको जमात कहते हैं, इसको लाजिम पकड़ो, इसके साथ रहो। इससे मुराद नमाज बा जमात नहीं है, जमात के साथ जुड़ा रहे, जुड़े रहना, अगर नमाज बा जमात भी इसी तसव्वुर जमात का हिस्सा है कि अकेले नमाज पढ़ें तो इबादत तो तब भी हो रही है और जमात के साथ पढ़ें तो तब भी वही इबादत है। बल्कि फर्क इतना है कि अकेले पढ़ रहे थे तो सब कुछ कुरान की तिलावत भी कर रहे थे और जमात से पढ़ रहे हैं तो चुपके खड़े हुए हैं, बोल भी कुछ नहीं रहे, न सूरह फातिहा न कोई और सूरत, इमाम पढ़े जा रहा है। बावजूद इसके अकेले पढ़ने का जो सवाब था बाजमात पढ़ने में वो 27 गुना बढ़ गया। फर्क क्या हुआ? वो 27 गुना सवाब बढ़ गया उसी नमाज का। उसमें क्या बुनियादी पॉइंट ऑफ डिफरेंस था? वो ये कि वो तनहा थी, ये जमात के साथ थी, तो अल्लाह ने इज्तिमाईयत को इतना बाबरकत बनाया। तो फरमाया सैयदना अली अल मुर्तजा ने कि ईमान इकामत सलात और क़याम जमात और तमस्सुक बिल जमा, इन तीन चीज़ों पर इस्लाम के निज़ाम की बुनियाद कायम है। और फिर फरमाया फला तुक़बलु सलातुन इल्ला बे ईमान, नमाज कबूल नहीं होती ईमान के बगैर। वमन आमना सल्ला, जो ईमान लाएगा उसे नमाज पढ़नी होगी, वो नमाज पढ़ेगा। वमन सल्ला जामा, और जो शख्स नमाज पढ़ेगा उसे जमात से वाबस्तगी इख्तियार करनी पड़ेगी। और फिर फरमाया वमन फारकल जमा तकीद शिबरिन फ़कद खला रिबकतल इस्लाम मिन उनकही, और जिस शख्स ने जमात से एक बालिश्त पर भी अलहदगी इख्तियार कर ली, गोया उसने इस्लाम का पटा कलादा अपनी गर्दन से उतार दिया। तो इस्लाम में इतनी सख्त तालीम है इत्तेहाद पर, इज्तिमाईयत पर और जमात पर। फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनसे भी यही मरवी है जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि आकल इस्लाम ने फरमाया इन्नल्लाह यर्दा लकुम सलासन व यक्रहु लकुम सलासन, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तीन चीज़ों को पसंद फरमाते हैं और तीन चीज़ें नापसंद फरमाते हैं। जिनको पसंद किया फयरदा लकुम मन ताबुदूहु, वो तीन चीज़ें क्या है? एक, अल्लाह चाहता है, पसंद करता है कि तुम उसकी इबादत किया करो। वला तुशरिकु बिही शैया, दूसरी चीज़ चाहता है कि उसके साथ शिर्क न करो। वाइन यअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तीसरी चीज़ अल्लाह पसंद करता है कि अल्लाह की रस्सी को इज्तिमाईयत के साथ थाम लो और टुकड़ों टुकड़ों में न बटो। और तीन चीज़ें जो अल्लाह नापसंद करता है, वह यकरहु लकुम कील व काल, ये जो किड़किड़ करना और कील व काल करना और बहस व तमीज़ करना, तकरार करना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना जिससे फूट पैदा हो जाती है, अल्लाह इस रवैये को नापसंद करता है। उसकी बजाय वुसअत कल्ब और बर्दाश्त और एक दूसरे को सुनने का मादा पैदा होना चाहिए। वह कसरत सवाल, और कसरत के साथ सवाल करना, इसको अल्लाह नापसंद करता है। व इदा अतल माल, और माल को बेजा जाया करना, बेजा जाया करना खैर के लिए नहीं जाया, अल्लाह इसको नापसंद करता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने और सीदना फारूक आजम ने और बहुत से सहाबा ने एक तरीका निज़ाम इस्लाम का वज़ा किया, और इस हदीस को इब्न साद ने तबकात में और कंजुल उम्माल में रिवायत किया गया। अबू जाफर रिवायत करते हैं सैयदना फारूक आजम से, फरमाया तशावरू फी अम्रकुम, अपने उमूर के फैसले में बहम मशवरा किया करो। फइन कान अस्नान व इस्नान, अगर मशवरे में दो दो की राय तकसीम हो जाए, दो एक तरफ और दो एक तरफ, ये डेमोक्रेसी है। इससे बाज़ लोग मुझसे पूछते कि जमहूरियत की असास क्या है इस्लाम में, ये हदीसें जितनी सुना रहा हूँ
कि दो एक से बेहतर, तीन दो से बेहतर, चार तीन से बेहतर, ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है इस्लाम में। तो जमहूरियत की, असल जमहूरियत की बुनियाद आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया में रखी। असल जमहूरियत के अमली बानी और फिक्री बानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया मशवरा किया करो, अगर दो दो तकसीम हो जाएं तो फर्ज फिश शूरा, फिर शूरा में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ और शूरा से फैसला लो। व इन कान अरबा तुम व इसनान फौजू सिनफल अक्सर, अगर एक तरफ ज्यादा हो जाए, चार एक तरफ दो, तो फिर जो अक्सरियत का फैसला है उसको कबूल करो, वो कानून बनेगा। तो ये पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और ये जो अक्सरियती कानून के ऊपर एक निजाम को वजा करना, इसका बानी आलम मगरब नहीं है, इसका बानी गुंबद खजरा का मकी ताजदार मदीना। अब ये बात आप सुन चुके, अब मैं आका अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की तामील की नसीहत करने के बाद अब आपकी सीरत तैयबा की तरफ आता हूं। इस हुक्म की तामील करोगे तो दुनिया में शान से रहोगे, मगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत इस बाब में क्या है, क्योंकि इस सीरत के बयान के बाद फिर आका से रूहानी ताल्लुक और इश्क और मोहब्बत और आपकी अजमत के साथ इक्तसाब फैज का मौजू आएगा। तीसरा हिस्सा, सीरत आका अलैहिस्सलाम की क्या है, वो सरापा अमन और रहमत है। अगर कोई शख्स, मैं सरजमीन हिंद पर यह बात कह रहा हूं, मैंने सरजमीन मगरब पर यह बात की, मैंने वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका में यह बात की, मैंने इंग्लैंड में बात की, मैंने यूरोप में की, ऑस्ट्रेलिया में की, हर जगह बरमला मैंने कहा, अगर कोई समझता है कि दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक इस्लाम से है तो वह अपनी बदएतिकादी और गलतफहमी को दूर कर ले। हर फर्द दुनिया का दहशतगर्द हो सकता है, मगर जो गुलामी है मुस्तफा में है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। जिसका ताल्लुक कलिमा इस्लाम के साथ है, जिसका ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ है, मेरे आका का गुलाम सच्चा कलिमा गो मुस्तफा की मोहब्बत का, इश्क का, इताअत का, सीरत का, सुन्नत का, ताल्लुक का दम भरने वाला, वो सरता पा अमन होगा। हुजूर का गुलाम सरता पा रहमत होगा, हुजूर का गुलाम सरता पा फैज होगा, हुजूर का गुलाम खुद भी अमन होगा, इंसानियत को भी अमन देने वाला होगा। जो दहशतगर्द है उसका कोई ताल्लुक ना मुस्तफा से है ना निजाम मुस्तफा से है। और मैं ये भी बात कर दूं, आका अलैहिस्सलाम की इस सीरत तैयबा के उन्वान से कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पूरी कायनात इंसानियत को अमन देने वाली, रहमत देने वाली। सो मुसलमानों, आज अगर आका अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी चाहते हो तो आप भी अपने जाहिर और बातिन के वजूद में पैक करे अमन, पैक करे रहमत, पैक करे मोहब्बत बन जाओ। इस्लाम इतेदाल का नाम है, इंतहा पसंदी का नाम नहीं। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, नफरत का नाम नहीं। इस्लाम लोगों की जानें बचाने का नाम है, गले काटने का नाम नहीं। इस्लाम अपने पराए दोस्त दुश्मन हर एक के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करने का नाम है, किसी को लूटने का नाम नहीं। इस्लाम ने पूरी आलम इंसानियत को अमन और रहमत और आश्ती और शांति और सलामती का न सिर्फ पैगाम दिया है बल्कि उन तक यह निजाम पहुंचाया है। अब आका अलैहिस्सलाम जो इस इस्लाम का पैगाम उम्मत पर लेके आए, अब आप पूरे जौक के साथ जरा अपने जहनों को, सोचों को, समा को, समातों को और कल्ब बातिन को, अब मेरी इस हिस्से गुफ्तगु जो आगे शुरू हो रहा है, इस सब को थोड़ा वादी मदीना में ले जाएं। चले जाइए 15 सदियां कबल के सरजमीन मदीना और वादी फरान से अमन और रहमत का पैगंबर, उनकी आवाज बुलंद हो रही है। उस जमाने में जब गले काटे जाते थे, दे दो, उस जमाने में जब इज्जतें लूटी जाती थी, उस जमाने में जब लोगों के माल लूटे जाते थे,
उस जमाने में जब इंसानियत के पास इज्जत न थी, बेटी पैदा होती तो जिंदा दरगोर कर दी जाती, सदियों तक नस्ल दा नस्ल खून खराबा होता, अरब की सरजमीन मुद्दत हुई अमन देखना भूल गई थी, रहमत न थी, मोहब्बत न थी, शफकत न थी, भाईचारा न था, मवद्दत न थी, एहसान न था, इनाम न था। उस माहौल में आज की बात नहीं कर रहा। देखो आज तो UNO है, आज एक आलमी बिरादरी का तसव्वुर है, आज लोग डेमोक्रेसी जमहूरियत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, आज इंसानी कदरों की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, आज मॉडरेशन की बात होती है, आज ये बातें अजीब नहीं लगती, आज तो सारी जुबान पूरी दुनिया में एक ही बोली जा रही है। मगर मैं बात आपको ले जाना चाह रहा हूं 14 सदियां कबल, 1500 साल कबल, उस वक्त कोई UNO न थी, उस वक्त ह्यूमन राइट्स की बात न थी, उस वक्त कोई मॉडरेशन की बात न थी, उस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट का तसव्वुर न था, वीमन राइट्स न थे, चिल्ड्रन राइट्स न थे, एनिमल राइट्स न थे, डेमोक्रेसी न थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, एक ही कानून था, सिर्फ गले काटना, गर्दने उड़ाना, और रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट का कोई और रास्ता नहीं था पीसफुल, सिर्फ कत्लो गारत ही था, लड़ाई थी, जंग के सिवा कोई कानून दुनिया में ना था। कबाइल की जंग, अफराद की जंग, कौमों की जंग, मुल्कों की जंग, जंग ही जंग थी। जरा उस माहौल को आंखों के सामने लाएं, उस माहौल में जहां हर सू जुल्म जबर दहशतगर्दी और बर्बरियत का अंधेरा है, उस अंधेरी रात में एक हस्ती खड़ी होती है, हिरा के गार से उतरकर मदीना की वादी पे खड़ी होकर आवाज देती है कि बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया जा सकता। वो बोलती है कि गुलाम आजाद इंसानों की तरह इज्जत पाएंगे। वो जात बोलती है कि गला काटना मना है, माल लूटना हराम है, गिरी हुई इंसानियत इज्जत पाएगी, औरतों को ये हुकूक है, अमन होगा, आश्ती होगी, सलामती होगी, इंतहा पसंदी नहीं होगी, मॉडरेशन नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा, एक्सट्रीमिज्म नहीं होगी, टेररिज्म नहीं होगी, ह्यूमन किलिंग नहीं होगी। वो जात अमन और रहमत और मोहब्बत और शफकत का पैगाम लेके खड़ी होती है। अरे ऐसी बोली जो बोली उस जमाने में दूर दूर तक कोई बोलता ना था। मुस्तफा ने ये बोली कहां से सुनी, कहां से समझी? मेरे आका आए और आपने पैगाम दिया, और उस पैगाम में आका अलैहि सलाम अपना पैगाम है मोहब्बत, पैगाम है रहमत, पैगाम है हिदायत लेकर ताइफ जाते हैं, और जब ताइफ जाते हैं आपको पत्थरों से लहूलुहान कर दिया जाता, सर अनवर से कदमैन शरीफैन तक पूरा जिस्म अकदस लहूलुहान है, बह रहा है खून, रुखसारों से बह रहा है, दांतों से बह रहा है, लख्त लख्त मेरे आका के जिस्म से खून बह रहा है। उस कैफियत में आप जरा सोचिए, उस कैफियत में आका अलैहिस्सलाम के सब्र का अंदाजा कीजिए, तहम्मुल का अंदाजा कीजिए, बर्दाश्त का अंदाजा कीजिए। उस कैफियत में जहां आका अलैहिस्सलाम खड़े, उस माहौल में जिब्राइल अमीन अपीयर होते हैं मेरे आका के सामने। मैं हदीस मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की कोट कर रहा हूं, किताब बद अल खल्क हदीस नंबर 3059। एक पहाड़ की दामन में टेक लगा के मेरे आका खड़े हैं और खून में लथपथ है जिसमें अकदस, और उबाश ताइफ के बदमाश बड़े बड़े वडेरों ने, लोगों ने लड़कों को ले गए कि पत्थरों से बारिश कर दी है। मैं ये जुमला नहीं कहता, मगर आप खुद समझ लीजिए कि सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का आलम देखिए। इस कैफियत में रब्बे जुल जलाल को जलाल आता है। मैं इलावा जुमला नहीं बोलूंगा, बस आपको समझाने के लिए, रब्बे कायनात को जलाल आता है। हुक्म देते हैं जिब्राइल पहाड़ों का फरिश्ता लेके चला जा। अपीयर होते हैं जिब्राइल अमीन, या रसूल अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फनज़रतु फ़ैज़ा फ़ीहा जिब्रील फ़नादानी,
मैंने देखा तो अचानक जिब्राइल मेरे सामने खड़े, मुझे आवाज दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज दी जिब्राइल ने और अर्ज किया, कद बासा इलैका इन्नल्लाहा इन्नल्लाहा कद बासा इलैका मलकल जिबाल लितअमुरहू बिमा शित फीहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक हदीस, लफ्जों पर गौर करें, अल्लाह पाक ने पहाड़ों के फरिश्ते को मेरे साथ भेजा है और ये पीछे मेरे पहाड़ों का फरिश्ता खड़ा है और इसलिए भेजा है आपकी नौकरी के लिए, अब जो हुक्म देना चाहें ये तामील करने के लिए आया है, क्योंकि आप पर जुल्म हुआ है, पत्थरों से लहूलुहान किया गया है। फनादानी मलकुल जिबाल, जब जिब्राइल अमीन तारुफ करवा चुके पहाड़ों के फरिश्ते का और बता चुके कि अल्लाह ने फरमाया है आपका हुक्म चलेगा, आप इशारा देंगे वही कुछ हो जाएगा, तो इतने में मलकुल जिबार पहाड़ों का फरिश्ता आगे बढ़ा। यह हदीस सही बुखारी मैंने अर्ज कर दिया, हदीस नंबर 3059, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 1745 और फिर नसाई और इब्न हिब्बान हर जगह। वो आगे बढ़े, मलकुल जिबाल पहाड़ों का फरिश्ता, उसने आवाज दी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आवाज दी और कहा फसल्लमा अलैया, उसने मुझे सलाम किया, सुम्मा काला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकाला ज़ालिका फीमा शेता इन शेता अन उत्बिका अलैहुमुल अख्शबैन। पहाड़ों के फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे बारी ताला की बारगाह से हुक्म देकर भेजा गया है कि आज जो हुक्म करें मैं उसकी तामील के लिए आया, अगर आप हुक्म फरमाएं, मुझे हुक्म करें, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि मैं इन दोनों पहाड़ों को, जिन दो बड़े पहाड़ों का एक सिलसिला है, उन पहाड़ों के सिलसिले के दरमियान जो ताइफ की बस्ती है, अगर हुक्म करे तो दोनों पहाड़ों को इस तरह पीस दूं, मिलाकर पीस दूं कि बस्ती ये ताइफ का ना कोई घर बचे ना कोई फर्द जिंदा बचे। और एक और हदीस में है दूसरी में कि याज हुक्म दें तो मैं इस बस्ती को उठा दूं और उठा के बुलंदी से ले जाकर इस तरह फेंकूं कि कयामत तक इस सरजमीन पे कोई बंदा पैदा ना हो सके, ऐसा जलजला बपा कर दूं, हर शख्स खत्म कर दूं। ये मलकुल जिबाल ने अर्ज किया, फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अर्ज किया, आका आपके हुक्म का मुंतजिर हूं, क्या फरमाते हैं? हुजूर मुस्करा पड़े, काल बल अर्जू मैं इनको मारना नहीं चाहता, उम्मीद करता हूं शायद इनकी नस्लों से मोमिन पैदा हो जाए। और हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आगे इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु रहमतन वलम उब असलह आना, कि अल्लाह ने मुझे सरापा रहमत बना के भेजा है और मैं इनको रहमत से महरूम करने वाला, अजाब में मुबतला करने वाला बन के नहीं आया। इन्नमा बासनी रहमतन लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए खुद फरमा रहे हैं रहमत बन के आया हूं। और हदीस पाक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं कि आकर वहोवा यम सहुद्दमा अन वजहे ही, चेहरे पर खून बह रहा था, रुखसारों पर, माथे पर, सात हाथों से मेरे आका उस खून को पूछते थे, पूछते थे और साथ हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाहु मग़फिर लिकौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, मेरे मौला इनको माफ कर दे, इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है उसका सबब यह है कि मुझे पहचानते नहीं। लोगों, तारीख इंसानी में और इंसानी कायनात में है कोई और नाम जो इतना ज़र्फ रखने वाला हो, जिसका इतना हौसला हो, जिसकी इतनी दरगुजर करने की सलाहियत हो? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम सरासर अमन और रहमत है पूरी इंसानियत के लिए, जो पत्थरों से लहू लुहान कर रहे हैं उससे भी इंतकाम नहीं ले रहे। और फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने, वो कहते हैं, फिर हुजूर से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, अगर आप पहाड़ों के फरिश्ते के जरिए इनका खात्मा नहीं चाहते तो कम से कम इतना ही कर दें। और यही माजरा उहद में भी हुआ, फकीला या रसूल उदु अलल मुशरिकीन, या रसूल, इन मुशरिकीन के खिलाफ बद दुआ तो कर दें, बद दुआ तो कर दें।
قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. میں بددعاؤں کے لیے نہیں آیا, میں دعاؤں کے لیے مبعوث ہوا. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار, سراپ پر رحمت کا کردار, سراپا سراپا رحمت کا کردار ہے آقا علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو سراپا رحمت کا کردار ہے, اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا, ایون میدان جنگ تھا, صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, جنگ میدان جنگ میں, دوران جنگ دیکھا ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے سب کو بلایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان, فرمایا خبردار اگر جنگ بھی جاری ہو تو دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا بین کر دیا گیا, نہیں مار سکتے. آقا علیہ السلام نے یہ امت مسلمہ کو کورس آف ایکشن اور کردار عطا کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رحمت کا, امن کا, محبت کا, وہ صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں تھا, یاد رکھ لیں, یہ نہیں کہ جو نیک ہیں متقی ہیں ان کے لیے ہے, نہیں, گنہگاروں کے لیے بھی تھا. آقا علیہ السلام نے ایک روز پوچھا کہ اللہ نے مجھے شفاعت دی, اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب دو میں سے کوئی ایک چیز اختیار فرما لیں, ایک یہ کہ میں آپ کو کوٹا دے دوں, جتنی امت آپ کی قیامت تک ہوگی اس کا 50% اس کو بخشش ہو جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا میں کوٹا دے دیتا ہوں, قیامت تک جتنی امت ہوگی 50% نصف امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دی جائے گی, بغیر حساب و کتاب کے. ایک آپشن یہ ہے, اور فرمایا دوسرا آپشن اللہ نے دیا کہ یہ کوٹا نہ لیں, 50% امت علل اطلاق بخشی جائے, نہ حساب و کتاب ہی نہ ہو. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دوں, جس کو چاہیں بخشوا لیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے فرمایا ان دو آپشنز میں سے کون سی قبول ہے, آقا نے فرمایا فاخترت الشفاعۃ, میں نے کہا باری تعالیٰ مجھے امت کی بخشش کے لیے کوٹا نہیں چاہیے, کہ آدھی امت بخشی جائے کوٹا نہیں چاہیے, مجھے شفاعت کا حق دے دے. اللہ نے دے دیا. اب آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جا رہی تھی, کیوں نہیں لیا کوٹا؟ اب آقا کی رحمت کا عالم دیکھیے, کوٹا اس لیے نہیں لیا کہ آقا نے سمجھا کہ اگر قیامت کے دن میری آدھی امت ساری بخش دی جائے آدھی, اور اس کے بعد میرا کوٹا تو ہو جائے گا ختم, تو بعد میں کوئی گنہگار بچ جائے وہ کوٹے سے باہر ہے, وہ پکار لے مجھے یا رسول اللہ میں مارا گیا, چھڑا لیں, تو میرے پاس تو اس کی بخشش کا اب کوٹا نہیں ہوگا, تو میں اس کو بچا نہیں سکوں گا. تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے کوٹوں میں نہ ڈال, مجھے کوٹے کے دھندے میں نہ ڈال, میری شفاعت کا حق مطلق کر دے کہ میں جس جس کی بخشش کا کہتا جاؤں تو بخشتا چلا جائے. دیکھیے میں اس سے آقا علیہ السلام کا جو پیکر رحمت ہونا ہے, آپ کا کمپیشنیٹ ہونا, آپ کا مرسیفل ہونا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر امن, پیکر رحمت, پیکر محبت, پیکر شفقت ہونا, میں اس گوشے کو نکال رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوٹا ختم ہو جائے تو باقی گناہگار امتی, معلوم نہیں کوئی بعد میں بچ جائیں حیدرآباد دکن سے بولیں حضور ہمیں چھڑا لیں, تو میں تو کہوں گا میرا کوٹا ختم ہو گیا, کوئی کراچی سے بول پڑے, کوئی بامبے سے بول پڑے, کسی کی آواز دلی سے آ جائے, کسی کی بنگلور سے آ جائے, کسی کی لاہور سے آ جائے, کسی کی دمشق سے آ جائے, کسی کی مصر, کسی کی بغداد, کوئی بول پڑے حضور چھڑا لیں, تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ میرا کوٹا ختم ہو گیا. تو اب میں اب کیا کروں گا؟ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کوٹے چھوڑ, کوٹے نہیں چاہیے,
मुझे शफात का मुतलक इख्तियार दे। रब कायनात ने फरमाया महबूब वला सौफ योती का रब्बो का फतरदा, तुझे कोटा नहीं देते, मुतलक शफात का इख्तियार देते हैं। और शफात का इतना इख्तियार महबूब, जब तक तू बख्शवाता रहेगा मैं बख्शता रहूंगा, और उस वक्त सिलसिला बख्शिश उस वक्त खत्म होगा जब तू कहेगा कि मौला मैं राजी हो गया। सो लोगों, आका की सच्ची गुलामी का तकाजा यह है कि आप भी इस तरह आका की सीरत की झलक पैदा करें कि इस तरह इंसानियत के लिए अमन की, मोहब्बत के, शफकत के, एहसान के पैकर बन जाएं, कि आपके वजूद से हर एक को अमन मिले, आपके वजूद से हर एक को अमन मिले। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर आगे जो बात फरमाई, फिर सहाबा कराम ने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये मैंने जो शफात का हक लिया ये मुत्तकीन के लिए लिया? सहाबा से पूछा, क्या समझते हैं मैंने नेकोकारों के लिए लिया, जो नमाजी परहेजगार नेकोकार हैं उनको बख्शवाने के लिए शफात का हक लिया? मेरे आका ने फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, फख्तर तो लिल मुज़निबीन अल खत्ताईन, इसलिए कि वो जो नेकोकार हैं वो तो अल्लाह के फजल से खुद ही बख्शे जाएंगे, मैंने शफात का हक लिया ही गुनाहगारों के लिए है, खताकारों के लिए। क्योंकि जो नेकोकार होंगे, मुत्तकी होंगे, नेक लोग होंगे, बख्शिश उनका प्रिविलेज अल्लाह बना देगा, उनकी एंटाइटलमेंट अल्लाह अपने फजल से बना देगा, वो तो अल्लाह उनके अमाल का हिसाब नाप तोल करके अपने कर्म से भेज देगा जन्नत में। रह जाएंगे गुनाहगार, जिनका नाप तोल होगा तो नेकियां कम और गुनाह ज्यादा, वो मायूस खड़े होंगे, उन्हें अपने अमाल पे भरोसा नहीं होगा। तो आका ने फरमाया कि मैंने तो शफात का हक लिया ही अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए, इसलिए गुनाहगारों, गुनाहगारों तुम्हें मुबारकबाद हो कि नेकोकारों के लिए खुदा है, गुनाहगारों के लिए मुस्तफा। हाजरीन मोहतरम, मैं आका अलैहिस्सलाम मजलिस में बैठे हैं और ये हदीस तो फिर कोट कर रहा हूं, ये फिर मुत्तफ़क अलैह है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करना, समझाना चाहता हूं कि सीरत मुस्तफ़ा है क्या। मजलिस में बैठे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हदीस मुत्तफ़क अलैह है, सही बुखारी किताब उस सौम में और कई जगह आई है, एक नहीं कई जगह सही बुखारी में आई है, फिर सही मुस्लिम किताब उस सयाम में, फिर तिरमजी में, बहुत सी कुतुब में मुत्तफ़क़ल है। आका अलैहिस्सलाम मजलिस में बैठे, ज़रा सुनिए, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कहते हैं, قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت, एक शख्स दौड़ा आया आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में और पुकार के कहने लगा या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूलल्लाह मैं मारा गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला मालक, तुझे क्या हुआ भाई, क्या करके आए हो जो कहते मैं हलाक हो गया, मारा गया। काला वकअतु अला इमराती वाना साइमुन, मैं रोजे के साथ था, मैं रोजे के साथ था और एक ऐसा अमल कर लिया मैंने अपने घर में जोजा से जिससे रोजा टूट जाता है, तो मैं रोजा तोड़ के आया हूं। गलती खता निसियान से नहीं, अमदन रोजा तोड़ के आया हूं, इसलिए हलाक हो गया। अब आका अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, सुनिए, वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा रोजा तोड़ दिया है ना, हल तजदु रकबतन तुतिकुहा, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम या बांदी है जिसको आजाद कर दो, क्योंकि अब रोजा तोड़ने का कफारा देना पड़ेगा। ये मैं सीरत मुस्तफ़ा बता रहा हूं और सीरत मुस्तफ़ा में कितना अमन, कितनी रहमत, कितनी शफकत, कितना एहसान, कितना करम, कितना लुत्फ, कितना फजल, उस सीरत को हमें अपनी जिंदगियों में पैदा करना है।
या रसूल आका ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई लौंडी या गुलाम है जिसको आज़ाद कर दो ताकि रोज़ा तोड़ने का कफारा हो जाए। काल अल्लाह, अर्ज़ किया आका मेरे पास कोई गुलाम लौंडी नहीं, लौंडी या गुलाम है जिसको आज़ाद कर दो ताकि रोज़ा तोड़ने का कफारा हो जाए। काल अल्लाह, अर्ज़ किया आका मेरे पास कोई गुलाम लौंडी नहीं। काल फल तस्तती उन तसूम शाहरैन मुतताबिअैन, फिर दूसरी बात मेरे आका ने पूछी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा भाई 2 महीने यानी 60 दिन मुसलसल रोज़े रख सकते हो, क्योंकि ये अब कफारा है रोज़ा तोड़ने का, अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो 60 दिन मुसलसल रोज़े रख सकते हो। काल अल्लाह, अस किया नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, एक रोज़ा तो बचा नहीं सका तो 60 रोज़े कहाँ से रखूँ। अब आप अंदाज़ा करें कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में कितना प्यार, कितनी शफकत, कितनी बुर्दबारी थी कि ग़ुलाम आके ऐसी बातें भी कर लेते हैं। आज कर सकता है, आज हमारे कोई मुफ्ती साहब हों, हालांकि ये इख्तियार तो अब किसी को नहीं, इख्तियार किसी को नहीं, मगर आके ऐसी बात कोई करे तो मुफ्ती साहब उसे सुन लेंगे, उसको उठा के भगा देंगे, निकल जाओ, क्या लेने आया मेरे पास। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि 60 रोज़े रख लोगे, उसने कहा हुजूर एक बचा नहीं सका, 60 कैसे बचें, नहीं रख सकता। आका खफा नहीं हुए, यह है सीरत पाक। फिर आपने फरमाया फहल ताजिदो इतआम 60 मिस्कीना, क्या फिर 60 मिस्कीनों गरीबों को खाना खिला सकते हो। यह आखिरी सूरत है तोड़े हुए रोजे के कफारे की, 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो। फकाल अल्लाह, उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये भी नहीं खिला सकता, घर में है ही कुछ नहीं, गरीब हूं। फमा कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों कफारे की 3 सूरतें थीं, तीनों का जवाब नफी में पाके थोड़ी देर के लिए आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, खामोश हो गए। सहाबी कहते हैं कि हम गुफ्तगू करते रहे, थोड़ी देर में एक शख्स आया और वो शख्स एक टोकरे में खजूरें भर के ले आया, उसने आके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी, या रसूलल्लाह ये हदिया है खजूरों का। आका अलैहिस्सलाम ने जब खजूरें देखी तो खजूरें देखकर फरमाया क़ाल ऐन सआइम, वो सवाली कहाँ आए जो रोज़ा तोड़ के आया था, वो खड़ा हो गया। क़ाल अना या रसूलल्लाह, मैं हूँ। क़ाल खुज़ हाज़ा फतसद्दक बिही, फरमाया लो खजूरें मुझसे ले जा, मैं देता हूँ, और ये जाके सदका कर दे गरीबों मिस्कीनों पर। तुम्हारा कफारा है रोज़ा तुमने तोड़ा, कफारे के लिए खजूरों की खैरात मैं देता हूँ, जाके गरीबों मिस्कीनों को खिला दे। अब उसने मालूम है क्या कहा, फ़क़ाल अर्रजुलु अअला अफ़क़र मिन्नी या रसूलल्लाह, फ़वल्लाहि मा बैना लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़र मिन अहलि बैती। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मजीद गरीबों को जाके खिलाऊं, खुदा की कसम मदीने की बस्ती में मेरे घर से ज्यादा गरीबों का घर ही कोई नहीं, हमसे बढ़कर गरीब ही कोई नहीं, अपना घर छोड़ के मैं कौन से गरीबों को खिलाऊं। कुर्बान जाए, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, फदाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबहु, आका अलैहिस्सलाम सुन के हंस पड़े, कुर्बान जाऊं आका, मेरे आका हंस पड़े, और इतने हंसे आका अलैहिस्सलाम के आपके दांत मुबारक नजर आने लगे। उस शख्स की जुरत भी देखिए और आका पर एतमाद भी देखिए और हुजूर की रहमत के साथ तमस्सुक भी देखिए और गुमान भी देखिए, कहता है मैं मेरे घर से बढ़कर गरीबी कोई नहीं, मैं किसी और को क्या खिलाऊं। आका हंस पड़े और हंस के फरमाया काल अत इमहु अहलक, रोजा तू और तेरी बीवी दोनों तोड़कर आए हैं, खजूरें मेरी ले जा और घर जाके खुद ही खा ले और बीवी बच्चों को खिला रहे, तेरे रोजे का कफारा अदा हो। मेरे आका का इख्तियार है, इख्तियार है, जिसको जो रोजा तोड़ने वाले को उल्टा खाना खिला दें और कहें तेरे कफारा अदा हो गया। मगर ये खासा है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब हुजूर के बाद कयामत तक कोई और मुफ्ती और आलिम ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कल को ये
ये जो कानपुर साहब आए हुए हैं, अरशद कानपुर इधर आओ ना, ये आ जाएं और मुझे कहें कि मैं रोज़ा तोड़ के आया हूँ, इसी तरह का रोज़ा तोड़ के आया हूँ, और ये तवक्को करें, तो उसके बाद ऐसी तवक्को अब ख़त्म हो गई, ऐसी तवक्को ख़त्म हो गई। इसलिए तोड़ने से पहले ख्याल करना, ये आका का करम है, ये आका का किरदार है कि क्या है, गुनाहगारों से मोहब्बत करते। और सुन लो मेरा जुमला याद रखना ए अहले हैदराबाद, अहले दक्कन, अहले हिंद, कि हमेशा गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत न करो। गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत न करो। ये जो आका अलैहि सलाम ने तरीका दिया, इस मशरब को हुजूर गौसुल आजम ने अपनाया, इस मशरब को ख्वाजा अजमेर ने अपनाया, इस मशरब को कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ने अपनाया, इसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनाया, इसको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनाया कि औलिया गुनाह से नफरत करते, गुनाहगार से नफरत न करते। उनकी सोबत में मुसलमान भी आता, नेक भी आता, बद भी आता, हिंदू भी आता, मुवहिद भी आता, मुशरिक भी आता, कोई उनकी मजलिस में बैठने से न घबराता था न कतराता था, इसलिए कि उनकी मोहब्बत का दरिया हर एक के लिए बहता था। आका अलैहिस्सलाम का ये अमल, आपने ये शफकत, ये रहमत, ये वसअत, अमन इंसानियत और आदमियत की सतह पे सिखाया है, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, याद रखें, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत की सतह पे मेरे आका ने ये सिखाया है। सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस है, आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा कराम खड़े हैं, एक जनाजा गुजरा, इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत बिही जनाजा, आका अलैहिस्सलाम के करीब से एक जनाजा गुजरा, फकामा, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीक था कि किसी का भी जनाजा गुजरता तो आप उस जनाजे के लिए खड़े हो जाते, आप खड़े हो गए, फकील लहू, तवज्जो से सुने, इन्नहा जनाजतु यहूदियन, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये मरने वाला जिसका जनाजा गुजर रहा है ये यहूदी था, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। मेरे आका पलटे, फरमाया फकाल अलस्ता नफसन, अलैसत नफसन, फरमाया यहूदी था बताने वाले, बता क्या इंसान नहीं था, मैं नफ्स इंसानी के एहतराम में खड़ा हुआ हूं। अंदाजा करें वो ताजदार कायनात खत्म रसूल जो जिनाजे में खड़ा हो और ये भी ना देखे कि जिनाजा मुसलमान का है या गैर मुसलमान का, वो नफ्स इंसानी के एहतराम का दर्स दिया ताजदार कायनात ने, इस्लाम से बढ़कर नफ्स इंसानी की हुरमत की तालीम देने वाला कोई फलसफा कोई मजहब कायनात में नहीं हो सकता। आका की तालीम, और फिर ये तो सिर्फ इंसानियत की बात नहीं, आका अलैहिस्सलाम की जो रहमत है और आका की जो तालीम है वो इंसानियत के लिए नहीं, आलम खल के लिए, हैवानों और जानवरों और चरिंद और परिंद के लिए भी मेरे आका ने हुकूक भी रखे और उनके ऊपर रहमत और शफकत का दर्स दिया। ये भी बुखारी मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, आका अलैहि सलाम ने फरमाया, قال عذبت امراۃ فی حرۃ حبستها حتى ماتت جوعا, आका अलैहि सलाम ने सहाबा को बताया और हम तक तालीम पहुंचाई कि एक औरत के पास बिल्ली थी, उसने किसी वजह से नाराज होकर उस बिल्ली को बांध दिया और बांधे रखा, छोड़ा नहीं, न खाना पीना उसको दिया और ना आजाद किया कि जाके खा ले, हत्ता कि वो इसी कैद में बिल्ली मर गई। आकल सलाम ने फरमाया, फदखलत फीहन नार, वो औरत उस बिल्ली के मार देने की सबब से जहन्नुम में भेज दी गई, जहन्नुम में भेज दी गई कि बिल्ली की मौत वाके हुई उसके हाथ से आमदन, और बिल्ली की मौत के सबब से औरत जहन्नुम में गई। और फिर दूसरी हदीस बुखारी मुस्लिम की, जिसको अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने रिवायत किया, अब इसका अक्स देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया, सही मुस्लिम और सही बुखारी में आता है कि बैनमा कल्बुन, एक कुत्ता था वो प्यास से मरने वाला था किसी कुएं के पास, बनी इसराइल का एक गुनागार शख्स, फासिक व फाजिर शख्स जो अजाब का मुस्तहिक था,
من بغایا بنی اسرائیل, ایک فاسق فاجر گنہگار شخص بنی اسرائیل کا, وہ اس کے بدکار عورت تھی, ایک روایت میں مرد کا ذکر آیا ایک روایت میں عورت کا, بدکار اس کے پاس سے گزرا اور گزری, اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے مرنے کے قریب ہے, اس نے اپنا موزہ اتارا اور کنویں میں اتر کے پانی بھر کے نکالا اور کتے کو پلا دیا, کتے کی جان بچ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فسقت, اس کو اس عورت نے پانی پلایا, فغفر لہا بہی, اس کتے کی جان بچانے کے سبب اللہ نے اس بدکار عورت کو جنت بھیج دی, بخشش کر دی. تو کتے کی جان بچائی تو جنت میں گئی, اور بلی کی جان لی تو دوزخ میں گئی. تو گویا اسلام کا تصور تو یہ ہے کہ انسان تو انسان, وہ حیوانوں کو کتے اور بلی تک کے حقوق کی اسلام حفاظت کرتا ہے, اینیمل رائٹس کا. یہ تو ماڈرن ورلڈ آج اس سے آگاہ ہوئی ہے, اینیمل رائٹس کی بات ہونے لگی ہے, اس سے بڑھ کر اینیمل رائٹس اور اس کی اتنی عظمت. 1500 سال جہاں انسان کے خون کی کوئی قدر نہ تھی, وہاں کتے بلی کے خون کی پرواہ کون کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے جب انسانی خون بہائے جاتے تھے پانی کی طرح ارزاں سمجھ کر, اس زمانے میں کتے اور بلی کا خون بہانے سے بھی روک دیا. یہ تاجدار کائنات کا پیغام امن تھا. اور پھر حدیث پاک میں ہے, یہ صحیح سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, صحابہ کرام ساتھ ہیں, ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے, باصحابی جا کے اس کے دو بچے اٹھا کے لے آئے, وہ اچھی آواز دینے والی چڑیا تھی چنڈول, اس کے بچے اٹھا لیے کہ گھر جا کے پالیں گے. گھونسلے سے وہ چڑیا نکلی, اب دیکھیے یہ تو ایک رخ تھا نا رحمت کا, اب بھی آ رہا ہے, مگر ایک دوسرا رخ بھی شان مصطفیٰ کا دیکھیے. بہت سے صحابہ کرام کا اجتماع ہے, اب چڑیا کیا جانے, چڑیا کو پہچان ہے یہ بزرگ کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, کوئی چڑیا کو پہچان. وہ چڑیا آئی اور سارے اجتماع میں آقا علیہ السلام کے سر انور کے اوپر منڈلانے اور چیخنے لگ گئی اور رونے لگ گئی, شکایت کرنے لگ گئی کہ آقا میرے بچے اٹھا کے لائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, پوچھا فقال من فجع هذه بولدها, اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے رلایا ہے. صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ ہم سے کیا. فرمایا ردو ولدها الیہا, جاؤ اس کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ کے آؤ. تو آقا علیہ السلام چڑیا کے رائٹس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جس رسول نے کتوں کے حقوق کی حفاظت کی, جس رسول نے بلی کے حقوق کی حفاظت کی, جس رسول نے چڑیا اور پرندوں کے حقوق کی حفاظت کی, اس رسول کی تعلیمات سے بہتر انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور کون کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ بنیادی تعلیم ہے. اور پھر اس طرح سارے جانوروں پر آقا علیہ السلام کی یہ شفقت و رحمت ہے. اس وجہ سے جانور, جب جانوروں کا حق ادا نہ ہوتا, یہ بات بڑی خاص بتا رہا ہوں, اور مالک جانوروں کو تکلیف دیتا, مالک اونٹوں کو, اونٹ کو کھانا نہ دیتا, چارہ نہ دیتا, بوجھ زیادہ ڈالتا, وہ بوڑھے ہو جاتے, اونٹوں پر تکلیف ہوتی, جانوروں کو تکلیف ہوتی, وہ روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے. چونکہ رحمت للعالمین جو ہوئے, سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ انصاریوں کا ایک گھر تھا, ان کا ایک جانور اونٹ تھا, اونٹ, اور وہ اونٹ جو ہے ہلکان ہو گیا اور وہ کاٹنے کو دوڑتا تھا, اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا, کنویں سے پانی بھرنا چھوڑ دیا, ان کے کھیت خشک ہو گئے, اور جو اس کے قریب آتا وہ دوڑ کے اس کو کاٹتا, پاگل ہو گیا. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ اونٹ نے بڑی مشکل پیدا کر دی. میرے آقا تشریف لے گئے, جب اونٹ نے دور سے آقا علیہ السلام کو آتے دیکھا, حدیث کے لفظ ہیں سنن ابی داؤد مسند احمد بن حنبل, آقا علیہ السلام کو دیکھا, فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حن وزرفت عیناہ, اونٹ آقا علیہ السلام کے قریب دوڑ کے آیا اور رو پڑا,
और इमाम अबू नुएम ने लिखा फलम्मा रआहुल बईर जरजरा व वादा जिराने, आका अलैहिस्सलाम को देखकर धारें मार के ऊंट रो पड़ा और रोकर वो हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे गिर गया कदमों में। फमासा हज़िफ़राहु फसाका था, हुजूर ने ऊंट को प्यार किया जैसे बच्चे को प्यार करते हैं तो ऊंट सिसकियां ले लेके चुप कर गया। तो आका ने फरमाया मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक क्या, कहां है? मालिक आया तो आका ने फरमाया इन्नहु शका इलैया अन्नक तुजीहु व तुदिबहु, इस ऊंट ने मुझे आके शिकायत की है कि तुम इसे भूखा भी रखते हो और इसकी ताकत से बढ़ के काम लेते हो, इसको चारा दिया करो और जितनी ताकत है उतना काम लिया करो। तो अंदाजा करें कि आका अलैहिस्सलाम ऊंटों के हुकूक के रखवाले, चिड़ियाओं के हुकूक के रखवाले, कुत्तों के हुकूक के रखवाले, बिलियों के हुकूक के रखवाले, औरतों मर्दों बूढ़ों जवानों बच्चे बीमारों गुनाहगारों नेक बद काफिर गैर मुस्लिम हर एक के हुकूक के रखवाले। आका अलैहिस्सलाम ने आकर पूरे आलम इंसानियत को हर किस्म के अमन और रहमत का वो दर्स दिया कि इस्लाम की तालीमात के जरिए इंसान को भी अमन मिले और रहमत मिले और हैवान को भी अमन और रहमत मिले। इसलिए हदीस में उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना रिवायत करती हैं, सहरा में जा रहे हैं, अचानक एक आवाज आई सहरा में जहां कोई आबादी न थी, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, आवाज आई। हर तरफ मुड़ के देखा, समझ नहीं आ रही कि कौन निदा दे रहा है आका अलैहिस्सलाम को। तो देखते देखते दूर नजर पड़ी तो एक हिरनी खड़ी थी, वो हिरनी पुकार रही थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम उसके पास गए, आका ने फरमाया उदनु मिन्नी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंधी हुई उस हिरनी को उन्होंने बांध रखा था, फरमाया आप करीब करो। जब करीब आ गई उन्होंने या रसूलल्लाह फदना मिनहा फकाल हाजतुक, हिरनी आका के करीब आ गई तो आका ने फरमाया बताओ तेरी क्या मुश्किल है, तेरी क्या हाजत है जो हम रवा करें। हिरनी से पूछा तो हिरनी ने कहा कालत इन्नली खशफैन फी ज़ालिकल जबल फखल्लिनी हत्ता अज़हबा फउर्दियहुमा थुम्मा अर्जियु इलैक, आका ये मुझे शिकार करके लाया है, इस पहाड़ के दामन में मेरे दो बच्चे भूखे पड़े हैं, मुझे थोड़ी देर की छुट्टी ले दें आज़ादी करा दें, मैं जाके बच्चों को दूध पिला आऊं और पलट के वापस आ जाऊंगी वापस आ जाऊंगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल व तफअलीन, पक्की बात है हिरनी वापस आ जाओगी कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा जामिन बन के यहां खड़ा रहूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने उसे आजाद कराया, हिरनी गई और हिरनी जाकर बच्चों को दूध पिला के मुकर्रर टाइम के अंदर वापस आ गई और सपुर्द कर दिया आका अब मुझे इसके हवाले कर दो। आका अलैहिस्सलाम ने उस अराबी को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हें ये हिरनी जो तुमने पकड़ रखी है बताओ कि कितने की देते हो, मैं खरीदना चाहता हूं। उसने कहा या रसूलल्लाह आप हर शय के मालिक हैं हमारे भी मालिक हैं तो कीमत क्या, फरमाया मुझे दे दो। उसने आजाद करके दे दिया, आका ने लेके फरमाया हिरनी जा तुझे आजाद किया बच्चों को जा खिला पिला। अब हदीस के लफ्ज हैं जब फअतलकहा फखरजत तअदु वहिया तकूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह, हदीस में लफ्ज आए हैं इमाम तबरानी रिवायत करते हैं कि जब हिरनी को आका ने आजाद किया वो छिलांगे लगाती थी और जंप करती थी उछलती थी कूदती थी वज्द करती जाती थी रक्स करती जाती थी और साथ बोलती थी कि या रसूल अल्लाह मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और मुस्तफा उसका सच्चा रसूल है। मैं आका अलैहिस्सलाम की सीरत अमन और रहमत की न सिर्फ पूरी इंसानियत के लिए बल्कि पूरे आलम खल्क के लिए आपकी सीरत तैयबा का उस्वा रहमत बयान कर रहा हूं। फिर हदीस पाक में आता है अजीब बात, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं एक रोज नमाज फजर से आका अलैहिस्सलाम फारिग हुए, नमाज फजर से सहाबा कराम की जमात बैठी और यह हदीस शिमर बिन अतिया की रिवायत से है। इस वक्त सहाबा बैठे हैं, अचानक 100 भेड़िए आए, कितने 100 भेड़ियों की जमात आई
और आके पाँव के बल बैठ गई 100 बेड़िए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुछ शिकार पकड़े थे अपने खाने के लिए और ये जब पकड़ते हैं तो ये दौड़ के हमारा रिस्क हमसे छीन के ले जाते हैं, ये जो मालिक होते हैं बकरियों के, तो अब हमें तो भूखे मर रहे हैं, हमें रिस्क नहीं मिलता। अब भेड़ियों के रिस्क के भी जिम्मेदार मुस्तफा है, अंदाजा कर ले। बकरियों के जिम्मेदार आका, ऊंटनियों के जिम्मेदार आका, हिरनियों के जिम्मेदार आका, चींटियों के जिम्मेदार आका, चिड़िया के जिम्मेदार आका, कुत्तों और बिल्लियों की जान के जिम्मेदार आका। अरे कायनात की कोई शय है जिसको मेरे मुस्तफा ने अमन अता ना किया हो, मेरे मुस्तफा ने जिसको रहमत से नवाजा ना हो और मेरे आका ने जिस पर करम ना किया हो, अपनी चादर रहमत की ना तानी। उन्होंने कहा कि हमारे रिज़्क का खाने का कोई बंदोबस्त कर दें, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा कराम को, जवाब दिया, फ़काल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरदखू लहुम शैअन मिन तआमिकुम व तअमनून अला मा सिवा ज़ालिक फशकौ इला रसूलिल्लाह अल हाजा फ़काल फ़आज़िनूहुन्ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ग्रोह सहाबा, तुम इनके खाने पीने के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया करो, इनको इनका हिस्सा खाने पीने का थोड़ा सा दे दिया करो, बाकी सारी बकरियां बच जाएंगी, उनको उनके रिस्क की जमानत दे दी और सारी बकरियों की हिफाजत। उनसे कहा बाकी बकरियों को ना खाना। अर्ज की या रसूल अल्लाह बाकी बकरियों को नहीं खाएंगे। उनको रिस्क मिल गया, वो आवाजें निकालते और या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए भेड़िए वापस चले गए। अरे उस दौर के भेड़ियों को मुस्तफा की मारिफत थी, उस दौर के ऊंटों को मुस्तफा की मारिफत थी, उस दौर के जानवरों को ताजदारे कायनात की रहमत और अजमत की मारिफत थी। वो नारे लगा के जब हुजूर से हक पाते तो जाते। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम, इसी तरह हदीस पाक में आता है बड़ा अजीब ईमान अफरोज मुआवजरा, आका अलैहिस्सलाम इसी तरह किसी और ऊंट के माजरे में गए, दो ऊंट पागल हो गए, दो ऊंट पागल हो गए। आका अलैहिस्सलाम अंसारी के कहने पर तशरीफ ले गए और उन ऊंटों के लिए वो बंधे हुए थे अंसारी की हवेली में। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज किया आका आप खुदारा इस हवेली में न जाइए, क्योंकि ये ऊंट पागल हैं, पागल कुत्ते की तरह हो चुके हैं, आप जाएंगे तो आका आप पर हमला आवर हो जाएंगे, आप पर हमला आवर हो जाएंगे और हमें डर है कि आपको नुकसान पहुंचाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया। तो आका अलैहिस्सलाम उसको फरमाने लगे फिक्र न कर, फिक्र न कर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ऊंट मुझे कुछ नहीं कहते, ये ऊंट मुझे कुछ नहीं कहते, इसकी फिक्र न कर, क्यों कि मुझे इनसे कोई खतरा नहीं। सहाबा हैरान हो गए, जब आका अलैहिस्सलाम करीब गए तो दोनों ऊंट दौड़े आका अलैहिस्सलाम की तरफ घुटनों के बल, जैसे आप तशहुद में बैठते हैं घुटनों के बल दौड़ के बैठे, मेरे आका के कदमों पर गिर के सजदा रेज हो, आका अलैहिस्सलाम को सजदा करने लगे और सजदा करके आका अलैहिस्सलाम ने उनके सर के बालों से पकड़ा और कहा ऐसे हल्का सा मार के, जाओ मालिक का काम किया करो, और मालिक को कहा इनको खिलाया पिलाया करो। जब ऊंट चले गए तो सहाबा कराम की तरफ आका मुल्तफित हुए और सहाबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह, दो बातें, एक तो ये ऊंट और बकरियां और जानवर आपको सजदा करते हैं बेअक्ल होकर। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया आका जानवर और ऊंट आपको सजदा करें और हम सजदा न करें, हमें इजाजत दे दें कि हम भी ताजीम में आपको सजदा किया करें। मेरे आका ने फरमाया इन्हें करना दो, मगर इंसान के लिए मेरी शरीयत में सजदा करने की इजाजत नहीं। दूसरी बात सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ताज्जुब है इन ऊंटों को आपकी पहचान है, आप पर हमला आवर नहीं हुए, हर एक को खाते थे, आपके सामने सजदे में गिर गए, तो
तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैस शैउन बैन सबा वल अर्द इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला आसियल जिन्न वल इंस, के सिवाय बद अकीदा इंसानों और जिन्नों के जमीन और आसमान की हर शय मेरे मुकाम को पहचानती है। अंदाजा कर, जमीन और आसमान की हर शय मेरी अजमत को पहचानती है, मेरे मुकाम को पहचानती है, सिवाय उन लोगों के और उन जिन्नों के जो बद अकीदा है और बद अमल हैं। उन बदकारों बद अकीदों को छोड़ के हर कोई मेरे मुकाम को पहचानता है। अरे आका अलैहिस्सलाम के जमाने के बिगड़े हुए ऊंट भी मुस्तफा की शान को जानते थे, और हम इंसान होकर अजमत मुस्तफा को न पहचाने तो हमसे तो ऊंट भी बेहतर हुए, हमसे तो बकरियां भी बेहतर हुई, हमसे तो जानवर भी बेहतर हुए। तो आका अलैहिस्सलाम का ये करम, बकरियों को तकलीफ होती तो आका की बारगाह में सजदे रेज होती। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हो कि एक बकरी का मसला हुआ, आका तशरीफ ले गए, वो आगे बकरी आई और कदमों में गिर के हुजूर को सजदा रेज हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्ना नहनु हक्कु बिसजूद लक मिन हाज़िल गनम, या रसूल अल्लाह इस बकरी से ज्यादा हमारा हक है ऊँटों बकरियों से ज्यादा कि हम आपको सजदा किया करें। फकाल इन्नहु ला यंबगी अन यस्जुद अहदुन लिअहद, आका ने फरमाया नहीं, किसी शख्स को मेरी शरीयत और मेरी मिल्लत और उम्मत में इजाजत नहीं कि वो किसी को सजदा करे, इजाजत नहीं। हाजरीन मोहतरम, यह आका अलैहिस्सलाम का उसवा और आपकी सीरत तय्यबा है। मैं यही पैगाम अमन और यही पैगाम मोहब्बत, यही पैगाम रहमत और यही पैगाम अजमत सीरत मुस्तफ़ा लेकर हिंदुस्तान में आया हूँ। यही पैगाम मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आखिरी कोने जहाँ सूरज तुलू होता है तो उसकी पहली किरण पड़ती है, मैंने उन बस्तियों तक यह पैगाम मुस्तफ़ा का पहुँचाया और इस सुन्नत के लिए पहुँचाया कि मेरे कानों में आका की हदीस की आवाज़ गूंजती थी। मेरे आका ने फरमाया जहाँ जहाँ सूरज तुलू होता है और जिन जिन किनारों पर गुरूब होता है मेरा नाम वहाँ वहाँ तक पहुँचेगा। मैंने कहा वहाँ तक मुस्तफ़ा का नाम पहुँचाने वाले लोगों की नौकरी के साथ हम भी शामिल हो जाएं। शर्क से गर्ब तक मैंने हर जगह फकत मेरे आका अलैहिस्सलाम के अमन का, रहमत का, अजमत का, सीरत का, मोहब्बत का, शफकत का पैगाम पहुँचाया है और ये साबित किया है, बयान किया है कि दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ ब्रैकेट न किया जाए। दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ ब्रैकेट करने वाले, इस्लामिक टेररिज्म कहने वाले, भले वो हिंदुस्तान में लोग हों या वो अमेरिका में हों, वो यूरोप में हों या पाकिस्तान में हों, कहीं भी हों, जो इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं वो इस्लाम को दहशतगर्दी से नथी करने के नतीजे में दहशतगर्दों के मिशन को फायदा पहुंचाते हैं, दहशतगर्दी को तकवीयत देते हैं कि दहशतगर्द इस्लामिक की टर्म लगने से ये कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, इस्लाम का मुखालिफ हमें इस्लामिक कह रहा है। मैं हमेशा पूरी दुनिया की हुकूमतों को मैसेज देता हूं अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीतना है तो दहशतगर्दों के उन्वान को इस्लाम से जुदा किया जाए और इस्लाम को दहशतगर्दों से अलग किया जाए। टेरोरिज्म टेरोरिज्म है, वो कभी इस्लामिक नथी ना हो सकती है। रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिज्म है, वो कभी इस्लामिक नहीं हो सकती। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, हत्ता कि दहशतगर्द का कोई मुल्क नहीं होता। दहशतगर्द एक मुजरिम है और दुनिया के हर मजहब में दहशतगर्द पाए जाते हैं, दुनिया के हर मुल्क में दहशतगर्द पाए जाते हैं। अभी 9/11 नहीं हुआ था, 9/11 से पहले ओक्लाहोमा बम ब्लास्ट हुआ था। क्या ओक्लाहोमा बम ब्लास्ट करने वाले मुसलमान थे? वो क्रिश्चियन कल्ट था अमेरिका का, मगर उन्होंने हजारों इंसानों को लुक्मे अर्जल बनाया, किसी ने आज तक उन्हें क्रिश्चियन टेररिस्ट न कहा। अभी चंद महीने पहले की बात है, नॉर्वे में मसीही मजहब रखने वाले एक तबके ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म का इर्तिकाब किया,
किसी ने उनको क्रिश्चियन टेररिस्ट न कहा। यहूद में भी दहशतगर्द होते हैं, हर किस्म का तबका, अमन पसंद भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, मगर कोई ज्यूइश टेररिज्म नहीं कहता। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदू मजहब रखने वालों में भी दहशतगर्द होते हैं और वो भी दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हैं, मगर वो हिंदू दहशतगर्दी नहीं हो सकती। अरे जब ना हिंदू दहशतगर्दी कहलाई जाए, ना यहूदी दहशतगर्दी हो, ना ईसाई दहशतगर्दी हो, तो फिर इस्लाम का नाम दहशतगर्दी के साथ क्यों जोड़ा जाए? वाई इस्लामिक टेररिज्म? टेररिज्म इज जस्ट टेररिज्म। इट हैज नो रिलीजन, नो कल्चर, नो कंट्री। दीज आर जस्ट क्रिमिनल पीपल एंड एन एक्ट ऑफ क्रिमिनैलिटी कैन नॉट बी कनेक्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। यहां भी वाकयात होते रहते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं। मैं इसी जिमन में ख्याल आ गया मुझे, मैं अभी दौरा करके आया हूं, गुजरात में था, और बदकिस्मती मेरा, खैर खुदा का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र है, और मैं प्रेस और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रेस और मीडिया का, कि मेरे स्टेटमेंट को जो मेन स्ट्रीम प्रेस है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, हत्ता के इसराइल तक, यरूशलम टाइम्स में मेन स्ट्रीम प्रेस, और इंडिया में मैं वाच करता हूं, पिछले 3 साल से मेरे स्टेटमेंट को दुनिया के किसी मुल्क के प्रेस और मीडिया ने डिस्टॉर्ट नहीं किया, गलत रिपोर्टिंग नहीं की। मैं वर्ल्ड के मीडिया को, इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया, अप्रिशिएट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, मेरे पैगाम को इन लेटर एंड स्पिरिट सही पहुंचाया है। मगर सियाफत के अंदर इक्का दुक्का उनसर जर्द सियाफत का मौजू को, उनमान को तोड़ने वाला, फॉर देयर ओन लोकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दुनिया में पाए जाते हैं, बहुत कलील। यहां भी मैं आया, गुजरात में जो वाकयात हुए, मुझसे बारहा पूछा गया, बारहा पूछा गया, मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, और मैंने फकत यह कहा कि कोशिश करो कि ऐसे अनफॉर्चुनेट वाकयात मुस्तकबिल में रिपीट ना हो, मिलजुल के अमन के साथ रहना सीखो, अमन के साथ जीना सीखो, और एक दूसरे के गले काटने का तर्ज अमल काबिल मजम्मत है, वो यहां हो या किसी और जगह हो, इससे रिपीट ना हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अमन की तरफ बढ़ो, ये बात की। इसलिए मैं इंडियन प्रेस और मीडिया को बारे दिगर मुबारकबाद देते हुए कि उनके मेन स्ट्रीम तमाम प्रेस ने, गुजराती जुबान के अखबारात ने भी और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत सब ने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, मैं उनका फिर शुक्रिया करता हूं। लेकिन सबसे कहता हूं कि कोई इक्का दुक्का अखबार छोटा मोटा मेरे इस दौरे को, ये मेरा दौरा अमन है, मेरा दौरा मोहब्बत है, मैं नफरतों को मिटाने आया हूं, ऐसा कमेंट किसी चीज पे नहीं कर सकता जो राइट और लेफ्ट उसका माना गलत तोड़ मरोड़ किया जा सके। मेरे पैगाम को इन लेटर एंड स्पिरिट पहुंचाएं ताकि नफरतों की आग को बुझाया जा सके, और मेरे दौरे से अगर सरजमीन हिंद पर मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन मोहब्बत, भाईचारे और बर्दाश्त की फिजा पैदा हो सकती है, तो मैं समझूंगा कि मैं इबादत का कोई काम करके गया हूं। मगर मेरे बयान को मरोड़ा ना जाए, तोड़ा ना जाए, फिर मेरी हर स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड है, मेरी हर जुमला जुमला रिकॉर्डेड है, लिहाजा कहीं ऐसा मुगालता हो तो बराह रास्त मेरी स्टेटमेंट को सुने, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आखिरी हिस्सा मेरी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, लोगों आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुन ली, लेकिन अब मामला ये है कि आका अलैहिस्सलाम के साथ हमें अपने ताल्लुक को मजबूती से इस्तवार करना होगा, अपने ताल्लुक को इस्तवार करना होगा इस दुनिया में भी, चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही काम आना है, और कब्र और बरज़ख में भी आका अलैहिस्सलाम ने ही काम आना है, और क़यामत के दिन भी आका अलैहिस्सलाम ने ही काम आना है। हुजूर से मोहब्बत करो, आका से इश्क करो, मगर आका की सीरत और सुन्नत की पैरवी और इत्तेबा करो, फिर आका के नक्शे कदम पर चलो, आका के उसवा और आका के तरीके को अपनाओ, आका के उसवा हो तरीके को अपनाओ। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक अपनी उम्मत के हर फर्द के साथ आज भी रखते हैं, आप में से एक एक शख्स पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह है,
खा कोई हैदराबाद दक्कन का वासी और खा कोई बॉम्बे और बेंगलोर का वासी, खा कोई लाहौर और कराची का वासी है, खा कोई अमेरिका कनाडा इंग्लैंड और यूरोप का वासी, खा कोई फार ईस्ट जापान का रहने वाला है, खा कोई मुल्क अफ्रीका का रहने वाला है, जहाँ जहाँ आका का गुलाम उम्मती आबाद है, आका अलैहिस्सलाम की उस पर निगाह है। और बड़ी अहम हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का, अहम हिस्सा इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम पर याद रख लें, सुबह शाम हमारे आमाल पेश होते हैं, आज भी पेश होते हैं। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं हदीस, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम, मेरा ज़ाहिर हयात में ज़िंदा रहना भी तुम्हारे लिए खैर है। और फरमाया, फ़ैज़ा अना मित्तु कानत वफ़ाती खैरुल लकुम, और जब मेरी वफ़ात हो जाएगी तो मेरा वफ़ात पा जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आपकी ज़ाहरी हयात तो खैर है, फरमाया है वफ़ात कैसे खैर होगी? फरमाया इसलिए कि हयाती खैरुल लकुम यन्ज़िलु अलैयल वहयु फ़ुख़बिरुकुम बिमा यहिल्लु लकुम वमा यहरमु अलैकुम, मुझ पर वही आती है, मैं तुम्हें हिदायत देता रहता हूँ, हलाल व हराम समझाता रहता हूँ, ये मेरा ज़ाहिर की ज़ाहिर हयात इसलिए खैर है। और जब मेरी वफ़ात हो जाएगी, वो सुनिए, फ़ैज़ा अना मित्तु कानत वफ़ाती खैरुल लकुम, वफ़ात के बाद भी मैं तुम्हारे लिए खैर हूँगा, कैसे? फरमाया, तुरदु अलैया अमालकुम, तुम्हारे अमालकुम, तुम्हारे अमाल हर वक्त मेरे ऊपर मेरी वफ़ात के बाद भी पेश किए जाते रहे। हैदराबाद दक्कन में, हिंद में, पाकिस्तान में, शर्क ता गर्ब, पूरी दुनिया इंसानियत में आका का एक एक उम्मती गुलाम जो अमल करता है, वो अमल एक तो नामे अमाल में लिखे जाते हैं और किरामन कातिबीन अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे। और याद रख लो, ऊपर तो जाता ही है, दो चैनल्स हैं, दूसरा हर अमल सात गुंबद खजरा में पेश किया जाता है आका अलैहिस्सलाम को। और आका ने फरमाया, वइन रईतु, फरमाया फइन रईतु खैरन हमितुल्लाह वइन रईतु गैर ज़ालिक इस्तग़फरतुल्लाह लकुम, अगर तुम्हारे नेक अमाल मैं देखूँ तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ, और अगर कोई तुम्हारे गुनाहगारी खताकारी पहुँच जाए तो मैं आज भी गुंबद खजरा में लेटा हुआ तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहता हूँ और तुम्हारे लिए शफात करता रहता हूँ। आपने अंदाज़ा कर लिया कि आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल मुज़नी की रिवायत से फरमाया कि तुरदु अलैया आमालुकुम फमा रईतु मिन खैरिन हमितुल्लाह अलैह वमा रईतु मिन शर्रिन इस्तग़फरतुल्लाह लकुम, तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश होते रहते हैं। इस हदीस इन तमाम अहदीस सैया से साबित हुआ कि आका अलैहिस्सलाम कॉन्स्टेंट कनेक्शन के साथ हैं, हुजूर मुत्तसिल हमारे उम्मत के एक एक फर्ज के साथ हुजूर ने ताल्लुक रखा हुआ है, और सुबह शाम उम्मतियों के आमाल व अहवाल से बाखबर हैं। नेकी पहुँचती है तो खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, किसी का गुनाह पहुँचता है तो बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि आका अलैहिस्सलाम का एक ताल्लुक तो ये कि हम वक्त हमारे हर हर अमल पे निगाह रखे हुए हैं, सो हमें अपने आमाल को इतना अच्छा करना चाहिए कि कल आका की बारगाह में शर्मसारी ना हो, ऐसा ना हो कि हमारे गुनाह पहुँचे, बदी पहुँचे, और हुजूर तो करीम और रहीम है, बख्शिश और मगफरत की दुआ करेंगे। खुश नसीब है वो उम्मती के सुबह शाम उसकी नेकियां गुंबद खजरा में पहुंचें और आका अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करके खुश हों के देखे मेरे उम्मती नेक अमल कर रहे हैं, मेरी सीरत व मेरे उस्वा पे चल रहे हैं, अमन व मोहब्बत का अमल कर रहे हैं, तकवा परहेजगारी अंजाम दे रहे हैं, अमाल साले अखलाक हसना का इरतकाब कर रहे हैं, इससे आका अलैहिस्सलाम का दिल खुश होगा। ये एक ताल्लुक। और फिर दूसरा ताल्लुक, हर वक्त हुजूर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। किस तरह? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया, सल्लू अलैया, अब मैं चूंकि बड़ा अहम हिस्सा है, एक एक कलिमा गौर से सुनिए, अब चूंकि दारुस्सलाम है तो मैं उस मुनासबत से बात एंड पर ला रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लू अलैया फ इन्ना सलातकुम
तब लुगुनी है सुकुंतम कुंतुम, मुझ पर दरूद कसरत से पढ़ा करो, दरूद कसरत से पढ़ा करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए कि तुम्हारा पढ़ा हुआ हर दरूद बराहे रास्त मुझ तक पहुंचता है। आका अलैहिस्सलाम देखिए, एक तरीका तो ये है कि फरिश्ते हर दरूद को पहुंचाते हैं, वो बारगाह की अजमत का तकाजा है अदब के लिए, मगर मैं आका का डायरेक्ट लिंक रखना उम्मत के साथ, और जिस तरह मालिक अपने गुलाम की बात बराहे रास्त सुनता, एक है एक चैनल के जरिए पहुंचना, काम तब भी हो जाता है, मगर उस गुलाम और उस रियाया की खुशी का आलम क्या होगा जिसमें बगैर किसी चैनल से मालिक खुद बात को सुने कि बता तेरी दरख्वास्त क्या है। तो लोगों, मलाइका दरूद व सलाम तो आका तक पहुंचाते ही हैं, मगर खुश नसीबी ये है कि उम्मत के हर फर्द का दरूद व सलाम आका अलैहिस्सलाम बज़ात खुद रोजाना सुनते हैं, खुद रोजाना सुनते हैं। और रोजाना सुनने पर हदीस है इमाम हसन हसन मुज्तबा करमल्ला वजहुल करीम की रिवायत है, जिसे इमाम अबू याला ने मुसनद में रिवायत किया, इमाम हैसमी ने मजमो जवायद में, हाफिज इब्ने जरसकलानी ने, सखावी ने, सब ने रिवायत किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो सल्लु अलैया वसल्लिमु, मुझ पर कसरत से दरूद भी पढ़ा करो और मुझ पर सलाम भी पढ़ा करो। फरमाया कि तुम्हारा सलात दरूद और तुम्हारा सलाम दोनों बराहे रास्त मुझ तक पहुंचते हैं जहां से भी पढ़ते हो। ए दक्कन के लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम और आकाए दो जहां की हदीस पाक की कसम, आका ने फरमाया अगर दक्कन के शहर के घर में बैठा हुआ, माना बता रहा हूं, दिल्ली में कोई घर में बैठा, पाकिस्तान और अरब व अजम में घर में बैठा, फरमाया ऐनमा कुंतुम, रुए जमीन के जिस मुकाम से भी मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है या सलाम पढ़ता है, उसका दरूद भी डायरेक्ट मुझ तक पहुंचता है, उसका सलाम भी बराहे रास्त मुझ तक पहुंचता है। और फिर बात सिर्फ ये नहीं, हैरानगी की बात है, इस हदीस के ऊपर एक अजब मजमून आज आपको सुनाने वाला हूं, अजब, जो शायद कसरत के साथ आपने पहले सुना पड़ा ना हो। और बाज उलमा ने जो कुतुब के मुताला में हम वक्त मसरूफ रहते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, हदीस पाक है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं हदीस के रावी सहाबी, और इमाम तबरानी ने तखरीज की है इसको, इमाम तबरानी ने इस हदीस की तखरीज की, और इमाम इब्ने माजा ने तखरीज की, और इमाम सखावी ने तखरीज की। रिवायत हजरत अबू दरदा की ये, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो तलब हदीस के अल्फाज, फरमाया लैस मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु। पहले हदीस थी लैस मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैया ओ युसल्लिमु अलैया इल्ला बलगनी सलातुहु व तस्लीमु, कि उसका दरूद व सलाम बराह रास मुझ तक पहुंचता है। अब जो हदीस मैं इस वक्त दे रहा हूं इमाम तबरानी की रिवायत से, सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू दरदा की रिवायत, कोई शख्स लैस मिन अब्दिन युसल्ली अलैया, जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, फरमाया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना, वो रूए जमीन के जिस मुकाम से बैठकर पढ़े उसकी आवाज भी मेरे कानों पर आती है। खुश नसीबो ए आशिकान मुस्तफा, अरे गुलामान मुस्तफा, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने दरूद और सलाम पढ़ना मुस्तफा पर तुम्हारा नसीब बना दिया। हर वक्त दरूद और सलाम पढ़ना अल्लाह ने तुम्हारा अकीदा बना दिया, दरूद और सलाम पढ़ना हर वक्त अल्लाह ने तुम्हारा वतीरा और शियार बना दिया। दरूद और सलाम को फरिश्ते भी पहुंचाते थे और दरूद और सलाम आका को बराह रास्त भी पहुंचता था, मगर मुबारक हो उम्मत मुहम्मदी के हर फर्द को। आका ने फरमाया इल्ला बलगनी सौतुहु, पढ़ने वाले की अपनी आवाज मैं अपने कान से सुनता हूं। जब तुम दरूद और सलाम पढ़ते हो गुंबदे खजरा में तुम्हारी आवाज पहुंचती है मेरे आका के पास। आका अलैहिस्सलाम के लिए ना मकान का कुर्ब है ना मकान का बोध है, सुबह शाम
मेरे आका का ताल्लुक हमारे साथ उस्तवार रहता है। चूंकि जिंदगी इस दुनिया का लम्हा लम्हा आका अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी बख्शिश मग़फ़िरत और शफ़ात आज भी आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए लोगों ज़रूरी है कि आका अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मोहब्बत को कायम रखो। खैर भी हुजूर के ताल्लुक से मिलेगी। और आगे सुनिए, जब मरोगे मौत की पहली शाम, जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, तो पहली शाम में मुनकर नकीर आके, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, सुनिए मुत्तफक अलैह हदीस, मुनकर नकीर आके मैयत को उठाएंगे और उठा के पहला एक ही सवाल करेंगे, मा कुंत तकूलु फी हक्के हाज़र रजुल ले मुहम्मदिन, बता इस मुहम्मद मुस्तफा के बारे में तेरा अकीदा क्या। अरे दुनिया की खैरात भी हुजूर के दम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कब्र की शाम में निजात भी हुजूर के दम से। बाकी सवाल सब बात को होंगे, कब्र में बख्शिश का मदार आका अलैहिस्सलाम की मारिफत पर है। और हदीस पाक में आता है कि फिर जब वो पहचान लेगा हाँ ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फयुकालु लहू उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार कद अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्ना फयराहुमा जमीया, उसके सामने एक तरफ दोज़ख कर दी जाएगी कब्र में, एक तरफ जन्नत का मंजर आ जाएगा और बताया जाएगा ऐ मरने वाले देख ये तुम्हारा ठिकाना था दोज़ख अगर तू मुस्तफा को पहचान न सकता, तो इस दोज़ख में जाता फकत एक सबब से, तूने जो ताजदार कायनात को पहचान लिया है कि मेरे आका है, सिर्फ हुजूर के पहचान के तसद्दुक से तेरी दोज़ख को जन्नत में बदल दिया गया है। और लोगो इस दुनिया की खैर भी आका के नाले में है, इस दुनिया की सलामती भी मुस्तफा की निस्बत में है, इस दुनिया का की कामयाबी और कामरानी भी हुजूर के जोरों में है, और कब्र में शादमानी भी हुजूर की मारिफत में है। जाते कहां हैं, मेरे आका के सिवा उम्मत का और है क्या, मेरे आका के सिवा मर्द मोमिन का और है क्या, अरे मेरे आका के सिवा दुनिया में भी कब्र में मुस्तफा के सिवा हमारा सरमाया क्या है। हुजूर से जुड़ो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर का अदब करो, हुजूर की सुन्नत की इत्तेबा करो, आका की इताअत करो, हुजूर की सीरत तैयबा को ओढ़ना बिछोना बन जाए ताकि दुनिया भी समर जाए और कब्र भी मुनव्वर हो जाए। और ये तो कब्र का मामला, और आखिरी बात, दुनिया भी हुजूर की नस्बत से समर जाएगी, आखिरत भी हुजूर की नस्बत से समर जाएगी, और फिर जब क़यामत के दिन जाओगे तो लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत के दिन भी जब जाके देखोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, क़यामत के दिन की बख्शिश भी सिर्फ वास्ते मुस्तफा से होगी। और मैं आपको हदीस बताना चाहता हूं, क़यामत के दिन जब आप पहुंचेंगे, क़यामत के दिन सुनो, मेरे आका ने फरमाया बड़ी खास बात, और ये लुब्बे लुबाब और निचोड़ है, हैदराबाद दक्कन के लोगों, आज एक ठाठे मारता हुआ समंदर है, अरे ये समंदर इश्क मुस्तफा का है, ये समंदर मोहब्बत मुस्तफा का है, निस्बत मुस्तफा का है, ताल्लुक मुस्तफा का है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें अमन सिखाऊं और मुस्तफा से कटे हुए ताल्लुक को जोड़ कर जाओ, जुड़ जाओ मेरे आका से और हुजूर के नालैन से जुड़ जाओ। आपको मुबारक हो कि जन्नत के दिन भी मुस्तफा की सल्तनत होगी, और वो सल्तनत में सबसे पहला करम उन पर होगा जो आशिकान मुस्तफा होंगे, जो गुलामान मुस्तफा होंगे, जो मुत्तबईन सीरत मुस्तफा होंगे, जो मुतीईन हुक्म मुस्तफा होंगे। अल्लाह पाक अहले दक्कन को सलामत रखे, आपका समंदर मुझे याद रहेगा जो